to my channel, The Sparkling Vibe. So in today's video, I'm going to take you through, I'm going to show you that how I click my Instagram pictures. I was not keeping well from quite a while, so I was not active on Instagram, and also even for YouTube videos, मैंने काफी time से post नहीं करा है, like almost 1 week का gap. So I thought कि ठीक है, आज मौसम अच्छा हो रहा है, so let's go on the terrace, shoot some really crazy Instagram pictures. Since this was one of the requested videos, so I thought that okay, I'll take you guys along so that आप भी देख सको कि किस तरह से मैं from the scratch start करती हूँ, arranging for backdrop to giving it all the necessary details. So yeah, I'm really excited, and without further ado, let's get started. Also guys, before getting started, don't forget to hit that subscribe button below. पास में जो bell icon है उसे भी जरूर click करें ताकि आपको मेरी सारी ऐसी videos की notifications मिलती रहे. बाकी की वीडियो जो है वो होने वाली है पोर्ट्रेट मोड में एंड नॉट अ लैंडस्केप मोड. आई होप दैट यू अंडरस्टैंड. आपको अपने फोन को टिल्ट करना होगा. सो या विदाउट फर्दर डू लेट्स रोल. सो फॉर द फर्स्ट वन मैं यहाँ पे यूज करी है ये वायर रोप. आई मीन ये एक्चुअली कपड़े सुखाने वाली रोप है. जो देखो ये वाली तो हमारे खुद की है, लेकिन जो वो वाली है ना रेड कलर की, ये इधर से मैंने निकाल ली है, नेबर्स के घर की थी तो 10-15 मिनट के लिए निकाल ली मैंने. और ये कोई चोरी नहीं है, इट्स जस्ट फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज. सो अब मैंने यहाँ पे पेपर रिबन्स यूज़ किया है, जिसको लेकर मैं ऐसे सेल्फ़ी ले रही हूँ. ये क्लोज शॉट होगा तो आई एम जस्ट टेकिंग अ सेल्फ़ी. कोई एज सच फ़ोन रखने का सेटअप नहीं करना पड़ा है. Quickly changed my attire and I'm wearing this kurti and a palazzo, and I'm also wearing this gorgeous pair of earrings. And right now I'm in my balcony, so I'll show you exactly where I keep my phone and how do I click my pictures here. सो दिस इज़ माई बालकनी, और मैं अपना फ़ोन रखने वाली हूँ फ्लोर पे इसके सपोर्ट से, यहाँ राइट हियर. टाइमर लगा कर यहाँ पर बर्स्ट शॉट्स ले रही हूँ मैं इस तरह से. इफ़ यू वॉन्ट यू कैन ट्राई डिफरेंट पोजेस, अलग अलग तरह के प्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं. तो गाइज फॉर दिस वन आई एम यूजिंग दिस देसी जुगाड़. क्लचर्स से मैंने यहाँ पे साटन क्लॉथ को अटैच कर लिया है. नीचे पे मैंने यहाँ पे हील्स रखे हैं टू गिव अ नाइस लुक टू द ओवरऑल पिक्चर. बॉटल तो ऐसे ही रखी है क्योंकि हवा की वजह से उड़ रहा था ये क्लॉथ. नाउ दिस इज एग्जैक्टली वॉट माई सेटअप लुक्स लाइक. यहाँ पर मल्टीपर्पज टेबल यूज़ किया है टू गिव इट सम हाइट. शुगर का रिसेंटली सामान आया था तो वो एम्प्टी बॉक्स रखा है, एंड देन पीछे जूस का कोई पैकेट और उसके सपोर्ट से फ़ोन रखा हुआ है. आई एम वेयरिंग दिस वाइट ड्रेस एंड यूजिंग सम कलरफुल पेपर, बट अगर आप चाहें तो फॉइल पेपर या ग्लिटर फोम शीट भी यूज़ कर सकते हैं. इस सेटअप पे मैंने सिर्फ एक ही बार ट्राई करा एंड लकीली पिक्चर आ गई. मुझे शूट को डिले नहीं करना था तो मैंने यहाँ पे किसी रूम में अरेंजमेंट कर दिया है. आई हैव यूज चार्ट पेपर्स, बलून्स एंड अ पिंक क्लॉथ. आगे फ़ोन का सेटअप सेम है. फॉर द नेक्स्ट वन आई एम यूजिंग ब्लैक बैकड्रॉप. यहाँ पे फ़ोन का सेटअप वही सेम है जो पहले था, एंड इस शूट के लिए आई विल बी यूजिंग कलर्स. सो या सो इस पिक के लिए कोई भी पेंटिंग कलर्स या इवन पोस्टर कलर्स हम यूज़ कर सकते हैं. इसे मैं अपने हैंड्स पर लगाने वाली हूँ इस तरह से. मैं आपको दिखाती हूँ. उप्स, ये मैं क्या करने लग गई. ठीक है, सो अब मैं इसको लगाने वाली हूँ अपने हैंड्स पर अच्छे से. मेक इट लुक रियली रियली कलरफुल, और बहुत ज़्यादा ब्राइट होना चाहिए. जितना जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप कलर्स लेंगे उतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव आपकी पिक्चर लगेगी जो फाइनल लुक होगा. उप्स, आई थॉट टाइमर ऑन है.
सो फॉर द लास्ट पिक्चर मैंने सोचा मेकअप के साथ भी कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो यहाँ पे मैं ग्लिटर यूज़ करने वाली हूँ, गोल्डन ग्लिटर, एंड उप्स आई स्पिल्ड इट. नेवर माइंड, इसमें आई विल बी यूजिंग सम डेकोरेटिव स्टफ लाइक स्टार्स एंड ऑल्सो सम बीड्स, बट इसको एग्जैक्टली क्या कहते हैं वो मुझे याद नहीं आ रहा, बट या विल बी यूजिंग ऑल ऑफ दिस. सो गाइज, दिस इज द मेकअप लुक दैट आई हैव क्रिएटेड बाई यूजिंग just the 10 rupee glitter pack. I was actually wondering what I could do to change my look. I really wanted to have more colors and, you know, just experiment a bit for my profile and for my pictures. So yeah, here I have tried glitters and that too without using any eyeshadow palette. So this is the look that I have created. I've also added some beads over here and a little star. आप चाहें तो अलग कलर के ग्लिटर्स भी यूज़ कर सकते हैं, अलग टाइप के लुक्स क्रिएट कर सकते हैं और बहुत सारा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. सो गाइस, मेकअप तो हो गया एंड नाउ इट्स टाइम टू डू माय फेवरेट थिंग, दैट्स क्लिक पिक्चर्स एंड सेल्फीज. एंड फॉर दैट आई विल बी यूजिंग दिस साटन क्लॉथ एज माय बैकड्रॉप. आप चाहें तो आप कोई भी दुपट्टा या बेडशीट भी यूज कर सकते हैं. Video and after two or three pictures I think it started raining quite heavily, so I had no option than to rush downstairs. So इसलिए मैंने सारा जो भी सेटअप था वो मैंने किसी रूम में शिफ्ट करा था. बट अगर कोई ऐसा रूम है जहाँ पे नेचुरल लाइट आ रही है या फिर आप अपनी टेरिस पे ही शूट करते हैं तो आपकी पिक्चर्स और ज्यादा बेटर आएगी, क्योंकि नेचुरल लाइट पिक्चर्स आर द बेस्ट. Also guys, I hope that you found this video really helpful, and if you did then don't forget to give this video a big thumbs up. Comment karke mujhe bataiye what kind of videos would you like to watch next. Also if you want to know ki main kis tarah se apni pictures ko edit karti hu, kaun se apps use karti hu, so yeah, let me know. I love to do a tutorial on that as well. Also for more such pictures, ideas and to get insights on my personal life, enter different giveaways, contests etc., make sure to connect with me on my Instagram handle that I am mentioning over here. And I'll see you guys in my next video. Bye guys!